वेलकम गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीसी सेटअप वर्ल्ड और चेपेस एंटरप्राइजेस के स्टोर पे। आज जो अपना बिल्ट होने जा रहा है ये 1,00,000 रुपए का बिल्ट है और मजेदार चीज क्या है कि हम लोग बैक टू बैक इंटेल पे ही काम कर रहे हैं। एमडी के बिल्ट आ रहे हैं लेकिन वो मतलब ऐसा कार्यक्रम हो रहा है कि वो जल्दी जल्दी बन के चला जा रहा है, वीडियो डालने का कोई भी अवसर हम लोगों को मिल नहीं पा रहा। तो आज फिर से एक बार इंटेल के बिल्ट के साथ हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आप लोग चाहे जो कहो, हम लोग इंटेल बिल्ट पे ही प्रमोट करने के लिए आ गए हैं पूरी तरीके से। और सब कुछ उपस्थित क्या क्या है ये भी देख लीजिए। गैलेक्स का कैबिनेट 4 RGB फैंस के साथ में, एनटेक की नियो सप्लाई 650 वाट, ग्राफिक कार्ड जो यूज़ किया जा रहा है 3060 Ti गैलेक्स का विद सैमसंग चिपसेट, 3 ईयर वारंटी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, परफॉर्मेंस में अल्टीमेट परफॉर्मेंस। उसके बाद जो इसमें स्टोरेज यूज़ किया जा रहा है NVMe हार्ड ड्राइव सब चीज़ को किनारे धर के SATA SSD क्रूशियल की 1 TB की सिर्फ यूज़ की जा रही है परफॉर्मेंस के लिए। प्रोसेसर जो यूज़ किया जा रहा है 12400 12th जनरेशन का i5 सीरीज़ का प्रोसेसर है, 6 Core 12 Thread पर आने वाला। रैम जो है RGB यूज़ की जा रही है 3600 FSB पे, थर्मलटेक की 8x2 का पेयर है, अल्टीमेट लुक निकल के आने वाला है, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। और मदरबोर्ड में गीगाबाइट के बिलीव के साथ हम लोगों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है और गीगाबाइट के मदरबोर्ड को सपोर्ट करते हुए इस बिल्ड को रेडी किया जा रहा है। ये बिल्ड कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी, लुक कैसा निकल के आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए और इसको हम लोग फटाक से रेडी करते हैं और आपके सामने उपस्थित होते हैं। थोड़ी बहुत इस प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें बात कर लेते हैं। ये आपका गैलेक्स का कैबिनेट है, टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है, श्राउड्स है, ऊपर 240 का लिक्विड कूलर लग सकता है, 4 RGB फैन है, 3700 की रेंज में आने वाला ये कैबिनेट अगर कहिए तो 4 RGB फैन जो इसमें दिए गए हैं अगर उनकी कैलकुलेशन ले ली जाए तो कम से कम 2000 रुपये के वो होते हैं। 2000 रुपये के अगर फ़ैन आप हटा दीजिए तो इसके बाद इस कैबिनेट की क्या रेंज बची, 1700 रुपये। तो अपने पैसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रही है कैबिनेट। SMPS में आते हैं तो एनटेक की नियो है, 650 वाट सेमी मॉडुलर SMPS है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3060 की TDP जो होती है 350 वाट है, लेकिन लोड को ध्यान में रखते हुए, इसमें बिल्ड को ध्यान में रखते हुए SMPS को थोड़ा सा अप करके रखा गया है कि एक्स्ट्रा लोड पे भी कोई इशू ना आए, इसलिए नियो सप्लाई को एनटेक की ऐड की गई है। कोई भी NVMe हार्ड ड्राइव, ये दो कॉम्बिनेशन हम लोग हमेशा यूज़ करते थे, एक NVMe यूज़ करते थे, एक SATA हार्ड ड्राइव यूज़ करते थे। NVMe में OS रख देते थे और हार्ड ड्राइव जो होती थी वो स्टोरेज के लिए होती थी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को बाईपास करते हुए हम लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है, एक SATA SSD 1 TB की इंक्लूड कर दिए जिससे परफॉर्मेंस एकदम प्रॉपर और यूनिक रहे। कोई NVMe का इंक्लूड नहीं किया गया, हार्ड ड्राइव का इंक्लूड नहीं किया गया, सीधे SATA SSD को इंक्लूड कर लिया गया। ये 12400 प्रोसेसर विथ स्टॉक फैन आता है, इसलिए कोई भी लिक्विड कूलर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्मलटेक की ये रैम आप जो देख रहे हो 2x8 3600 MHz RGB फ्यूज़न, तो ठग रैम बहुत अच्छी होती है, आपको मज़ा आएगा इसका लुक देख के। और गीगाबाइट का जो ये मदरबोर्ड है B660 4 रैम स्लॉट के साथ आता है। तो ये इन प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेक्स हो गया जो आपको रफली बहुत तेज़ी से मैंने बताया है, इसको बिल्ट जल्दी से करना है, नहीं तो इसके बारे में भी हम लोग वीडियो डालने में बहुत डिले हो जा रहे हैं जिसके कारण धीमे धीमे हम लोग व्यूज़ को अपने खो रहे हैं। इसलिए अब कोशिश ये रहेगी पर डे एक वीडियो ज़रूर डालें जिससे वो कंटिन्यूटी जो हम लोगों की स्टार्टिंग में थी वो एकदम से गायब हो गई। और ये देखिए इस चीज़ की वाहवाही करने के लिए SSD भी कूद गई है, मज़ा आया। तो गाइज बस जल्दी से 2 मिनट बाद हम लोग फिर से मिलते हैं, आधे घंटे में रेडी करके 2 मिनट बाद मिलते हैं, थैंक यू। तो गाइज जो अभी 2 मिनट में हम लोग वापस आने की बात कर रहे थे वो अपना वीडियो रेडी हो चुका है, वीडियो के साथ आपको सारे स्पेक्स भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बोला ही था 2 मिनट आप वेट करिए, आधे घंटे में हम लोग आते हैं और फटाक से सिस्टम रेडी कर लेते हैं। देखिए सिर्फ 2 मिनट की बात थी और सिस्टम रेडी आपके सामने। RGB फैन है, ARGB फैन नहीं है गैलेक्स के इस कैबिनेट में। ये खासियत कहिए, बुराई कहिए, चाहे जो कहिए, लेकिन RGB फैन है, ARGB नहीं है, एड्रेसेबल नहीं है, इसी कारण कैबिनेट सस्ती है। फ्यूज़न के हिसाब से देखें तो आपको सामने RGB रैम भी दिख रही होंगी,
36 ओमेगाहर्ट्ज़ पर है थर्मलटेक की, और 3060 Ti ग्राफिक कार्ड है जो काफ़ी पावरफुल है अपने वर्क के लिए। 8GB 256 बिट का कार्ड है, दो फैन के साथ है, गैलेक्स का है। परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके की कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्रोसेसर भी काफ़ी हद तक सही लगा हुआ है, 12 जनरेशन का 1700 सॉकेट पे i5 12400, जो विथ स्टॉक फैन आता है। अलग से फैन की ज़रूरत अभी इनको नहीं है, अगर भविष्य में लगती है तो लिक्विड कूलर ऐड कर लिया जाएगा। तो बिल्ड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लाइक सब्सक्राइब और अपने कमेंट पास कर दीजिएगा कैसा था बिल्ड। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।